नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नारायण टेक्निकल एंड कैरियर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कई लिस्टें में दिखाऊंगा जिस पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर अभ्यर्थी कौन कौन से मेडिकल टेस्ट पर बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली जानकारी भी मिलती रहेगी। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है और मैं आपको जानकारी देने के लिए नए नए वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, देखते हैं लिस्ट और जानते हैं कि किस किस टेस्ट में अभ्यर्थी ज़्यादातर बाहर। यह 12 जून 2018 मेडिकल वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट है। इन 13 अभ्यर्थियों का मेडिकल हुआ था, 13 में से ये 3 अभ्यर्थी इसमें अब अनफिट पाए गए हैं। एक अभ्यर्थी है जो नाक में, ये देखिए, नाक में बाहर हुआ है। दूसरा अभ्यर्थी सीने की माप में बाहर हुआ है। तीसरा अभ्यर्थी दूरदृष्टि दोष के कारण बाहर हुआ है। आइए मैं आपको दूसरी लिस्ट दिखाता हूँ, जानते हैं उसमें किस किस में बाहर हुए हैं। तो ये है दूसरी लिस्ट, इसमें करीब 15 अभ्यर्थी हैं। 15 में से देखिए एक अभ्यर्थी बाहर हुआ है दूरदृष्टि दोष के कारण, जो कि बाहर हुआ है। आइए मैं आपको तीसरी लिस्ट दिखाता हूँ, उस पर देखते हैं कि किस में लोग बाहर हुए हैं। ये है दोस्तों तीसरी लिस्ट, ये करीब, इसमें साफ नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, यह 29 अभ्यर्थियों की लिस्ट है और इस पर कितने लोग बाहर हुए हैं ये देखिए। एक नंबर एक पर अभ्यर्थी जो बाहर हुआ है ये कलर ब्लाइंडनेस में बाहर हुआ है। दूसरा अभ्यर्थी जो बाहर हुआ है ये दूरदृष्टि दोष में बाहर हुआ है। तीसरा अभ्यर्थी नाक की वजह से बाहर हुआ है। चौथा अभ्यर्थी वेरिकोज वेंस में बाहर हुआ है। और पांचवा अभ्यर्थी जो बाहर हुआ है फ्लैट फीट और वेरिकोज वेंस में बाहर हुआ है। और ये जो पाँचवा अभ्यर्थी है ये नाक नी और लेफ्ट साइड इंजरिंग अंडर स्कल्ड वेंस में बाहर हुआ है। और ये छठा अभ्यर्थी जो बाहर हुआ है नाक नी फ्लैट फीट में बाहर हुआ है। सातवां अभ्यर्थी बाहर हुआ है दूरदृष्टि में बाहर हुआ है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको एक लिस्ट और दिखाता हूँ, उस पर जानते हैं कि कौन से अभ्यर्थी किस मेडिकल टेस्ट में बाहर हुए हैं। ये देखिए, ये उसके आगे की लिस्ट है, इसमें 47 तक है। और इसमें देखते हैं, एक अभ्यर्थी इसमें नाक नी पे बाहर हुआ है। दूसरा अभ्यर्थी वेरिकोज वेंस में बाहर हुआ है। तीसरा अभ्यर्थी वेरिकोज वेंस में बाहर हुआ है। चौथा अभ्यर्थी नाक नी वेरिकोज वेंस में बाहर हुआ है। पांचवा अभ्यर्थी कलर ब्लाइंडनेस में बाहर हुआ है। आइए दोस्तों, एक लिस्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, देखते उसमें ये इस पर देखते, इसमें करीब 6 अभ्यर्थी हैं जो कि बाहर हुए हैं। आइए ये 6 किस वजह से बाहर हुए हैं देखते हैं। ये पहला अभ्यर्थी जो है सीने की माप में बाहर हुआ है। दूसरा अभ्यर्थी कलर ब्लाइंडनेस में बाहर हुआ है। और तीसरा अभ्यर्थी यही छाती की माप मानक में बाहर हुआ है। और चौथा अभ्यर्थी दोनों कान के पर्दे में सुराग होने के कारण बाहर हुआ है। पाँचवा अभ्यर्थी सीने की माप में बाहर हुआ है। छठा अभ्यर्थी कलर ब्लाइंडनेस में बाहर हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख रहे हैं कि अधिकतर अभ्यर्थी सीने की माप में और कलर ब्लाइंडनेस में बाहर हो रहे हैं। तो इससे मुझे ये जानकारी मिलती है कि किस किस टेस्ट में अधिक अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग अगर मेडिकल देने जा रहे हैं तो आप अपनी सही से जांच करवा लीजिए, अपने आप को